कॉल्स में लगे हैं आफ्टर अनाउंसमेंट, और मैं उस अनाउंसमेंट के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि ये अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट सबको पता चल चुका है कि इंडियंस के लिए अभी कनाडा ने फिर से बैन कर दिया और 21 अगस्त तक आप नहीं ट्रैवल कर सकते हो। तो उसका बात करने का कोई मतलब है नहीं, एक सैड न्यूज़ है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकता। वैसे हम लोगों को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए और बहुत सारी क्वेरीज आई, और हम लोगों की अभी इतनी कैपेसिटी है नहीं कि हम उन सभी क्वेरीज पर रिवर्ट कर सकें, तो अभी हमने नेक्स्ट क्वेरीज लेना बंद कर दिया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद अस ऑन व्हाट्सएप या फिर चैटबॉट, आप हमें मेल कीजिए, और हमारा मेल आईडी है info@lesschatindia.com, info@lesschatindia। प्लीज़ अपनी डिटेल सारी शेयर कीजिए, लाइक आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, आपको आपकी डेट रेंज क्या है, कब ट्रैवल करना है, और लास्ट डेट क्या है जब आपको पहुंचना है वहाँ पे। और जिन लोगों को अगस्त मिड में या अगस्त लास्ट वीक में ट्रैवल करना है, प्लीज़ अभी वो लोग रुक जाएँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ज़रूरत है, जिनको अभी ट्रैवल करना है। कैसे हम लोगों को लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस टाइम पे कौन सा रूट बेटर है, किस रूट से हमें निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए। एज़ पर द करंट सिचुएशन, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि आपको इस टाइम पे कौन से रूट्स की तरफ देखना चाहिए और कौन से रूट्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, और कौन से रूट्स अभी बेटर चल रहे हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी थर्ड कंट्री रूट ले रहे हैं, उसमें आपको कभी भी 100% सेफ्टी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लाइक आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि जो लोग सर्बिया से भी जा रहे थे पहले, दे वर वेरी हैप्पी, बट एकदम से सर्बिया ने एक क्वारंटीन का रूल लगा दिया। ऐसे ही कोई भी आप रूट पकड़ेंगे, चाहे वो माले हो, चाहे वो सर्बिया हो, चाहे वो अल्बानिया हो, चाहे वो कतार हो, कोई भी रूट होगा उसमें आपको रिस्क ले होगा ही होगा, और वो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। बिकॉज ये चीज़ अनसर्टन है, कोई किसी को कुछ नहीं पता है कि एक चीज़ कब क्या हो जाए। अभी मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हूँ कि आज 20 जुलाई को कौन से रूट सिस्टम पे बेटर चल रहे हैं और कौन से रूट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले सर्बिया के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि 7 डेज क्वारंटीन है। हाँ, क्वारंटीन है, बट ये अगर कोई इंसान को शॉर्ट शॉर्ट पहुँचना है कैनेडा एंड उसको 7 डेज क्वारंटीन करने में कोई इशू नहीं है, तो सर्बिया भी एक रूट हो सकता है, क्योंकि कनाडा सर्बिया को बैन नहीं करेगा, सर्बिया कनाडा को बैन नहीं करेगा, और इंडिया के ऊपर सर्बिया ने जो रूल्स लगाने थे वो लगा चुके हैं। तो इसमें थोड़ा रिस्क कम होता है कि अभी कुछ नेक्स्ट कुछ और एकदम से कुछ हो जाएगा, होने को कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल अभी के लिए रिस्क थोड़ा कम लग रहा है हम लोगों को। हाँ, सर्बिया का एक और प्रॉब्लम है कि इंडिया टू सर्बिया फ्लाइट्स का थोड़ा एक्सपेंसिव चल रहा है या मिल नहीं रही हैं, बट वो अगर आपको आपके डेट्स पर मिल जाती हैं तो ये सर्बिया का भी एक ऑप्शन बन सकता है। मालदीव्स का भी एक ऑप्शन है गाइस, मालदीव से बहुत लोग जा रहे हैं, बट अगर आप मालदीव से जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको रिजॉर्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फ्लाइट से पहले यहाँ पे आपको रिजॉर्ट्स देखना पड़ेगा, और मालदीव्स जो कनाडा की जो फ्लाइट्स हैं उसका कनेक्शन बहुत मुश्किल से मिल रहा है या कम मिल रहा है या एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो एक यहाँ पर कंसर्न आता है। तो अगर आप मालदीव से जाना चाहते हो तो आपको इस चीज़ पर देखना पड़ेगा पहले। इसके बाद एक अल्बानिया का ऑप्शन आता है, अल्बानिया के लिए फ्लाइट्स अवेलेबिलिटीज बहुत कम है। अल्बानिया एक बहुत अच्छा रूट है, हम लोगों के बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ से, एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे बहुत स्मूथली काम हो रहा है, पर इंडिया टू अल्बानिया फ़्लाइट्स नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही है, अल्बानिया टू कनाडा फ़्लाइट्स मिल रही हैं पर इंडिया टू अल्बानिया मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कायरो का भी ऑप्शन है, पर अगर आपको कायरो से ट्रैवल करना है तो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग्स देखनी पड़ेंगी। आप प्लीज़ अपने लोकल एजेंट से चेक कीजिए, अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हैं तो शायद आपके लिए एक एग्जम्पशन हो सकता है, पर अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल सब कुछ देना पड़ेगा। यूक्रेन का ऑप्शन बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर हम लोगों को बहुत न्यूज़ आ रही है कि यूक्रेन के लिए ई वीज़ा रिजेक्शंस हो रही हैं या फिर इशू नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने अपनी फ्लाइट्स कर ली हैं और वो स्टक हो गए क्योंकि उनको वीज़ाज नहीं मिल रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप यूक्रेन भी चेक कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी प्रिपेयर रहें कि वीज़ा की प्रोसेसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। रिगार्डिंग कतार, अगर आप टोटली फुली वैक्सीनेटेड हैं तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए कि बच्चों के साथ अभी आप ट्रैवल वहाँ से नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अनवैक्सीनेटेड लोग, चाहे वो बच्चे भी हों। और जो कंट्रीज रेड लिस्ट में हैं उनको वो कोई एग्जम्पशन नहीं दे रहे हैं, और इंडिया रेड लिस्ट में है ऑब्वियसली। कतार का एक इशू है गाइस, एक हफ्ते से एम्बेसी बंद है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं एम्बेसी से बात करने के लिए, ईद के कारण वो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक हफ्ते से छुट्टी पे हैं। एयरलाइंस कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं होगा, ऑब्वियसली वो कोई कंफर्मेशन देंगे नहीं। आप एयरलाइन से बात करोगे तो वो बोलेंगे कि एम्बेसी से बात करो। इंडियन एम्बेसी हमेशा की तरह क्लूलेस है, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। बट हाँ, हमारे ऐसे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो कि कनाडा पहुँच चुके हैं कतर से, इट इज़ जस्ट कि हमारे पास कोई रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं है, इसके कारण हम आपको
इसमें 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं। अगर आप कोई कतार से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 5% 10% का इसमें रिस्क लेके जाना ही पड़ेगा। और कतार में आपको रिटर्न टिकट चाहिए और मालदीव्स में भी आपको रिटर्न टिकट चाहिए, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। एक रूट है बट मैक्सिको बहुत एक्सपेंसिव हुआ हुआ है इस टाइम पे। यहाँ से मैक्सिको जाने के लिए एयर फ्रेंस मिल रही है बट एयर फ्रेंस बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर कोई जाना चाहता है तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू। तो मैक्सिको इसलिए अभी थोड़ा साइड पर हो गया है, पहले बहुत पॉपुलर था मैक्सिको बट अभी नहीं मिल रहा है वहाँ से रूट। उज़्बेकिस्तान भी एक ऑप्शन बन सकता है पर उज़्बेकिस्तान की फ़्लाइट्स टोटली ख़त्म हो चुकी है, इंडिया से कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है उज़्बेकिस्तान जाने का। हाँ अगर कोई चार्टर्स चल रहे हैं तो ऑप्शन बन सकता है पर चार्टर्स भी अभी बहुत कम है और वो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए चल रहे हैं। आई डोंट थिंक कि कनाडा के लिए कोई चार्टर अभी ऑपरेट कर रहा है उज़्बेकिस्तान के लिए। दुबई पे हमें थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, अगर दुबई ने लकीली हमारे लिए अपने डोर्स खोल दिए तो हमारे लिए कनाडा जाने के लिए दुबई का ऑप्शन बहुत अच्छे से बन सकता है। अभी उसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि दुबई भी शायद हमें बैन ही रखेगा क्योंकि इंडिया की अभी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है। दिन मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि प्लीज़ अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं या किसी भी और डिफरेंट कंट्री में जाना चाहते हैं, एटलीस्ट आप इंडिया में रह के तो सभी रूल्स एंड गाइडलाइंस का फॉलो आपको करना चाहिए। लाइक आपको मास्क पहनने चाहिए, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट फ्रॉड रिपोर्ट्स या वैक्सीनेशन फ्रॉड रिपोर्ट्स कहीं पे भी किसी भी कंट्री में लेके नहीं जानी है गाइस। हमारे देश का बहुत नाम खराब हो चुका है और यही रीज़न है कि हमारा ये बैन एक्सटेंड होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है। और इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें गलती हम लोगों की ही है क्योंकि हम लोगों ने ही ये चीज़ें की हैं जिसके कारण आज हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है गाइज़, मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ब्लॉग्स में आते रहिए, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। जहाँ तक क्वेरीज लेने की चीज़ है, शाम तक या कल तक शायद हम वापस न्यू क्वेरीज लेना स्टार्ट कर दें। आपके मेल्स हमेशा वेलकम हैं, आप मेल्स कीजिए, हम आपको मेल्स पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे विद इन 2 आवर्स ऑफ दैट। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच गाइज़।